नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबी ट्रेवल एक्सप्लोर में। मैं आपका होस्ट पंकज सिंह। आज हम आपको इस वीडियो में ऋषिकेश की सैर कराएंगे। ऋषिकेश में आपको कहां कहां घूमना चाहिए और ऋषिकेश में क्या क्या एक्टिविटी होती है और ऋषिकेश घूमने का आपका कितना खर्च आएगा, इस वीडियो में टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी रिलेटेड ऋषिकेश टूर के। तो हम अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं हम हरिद्वार में खड़े हैं और आपको कुछ ही देर में ऋषिकेश पहुंचकर ज्वाइन करते हैं। तो आइए ऋषिकेश चलते हैं। ऋषिकेश पहुंचना बहुत ही आसान है। दिल्ली से ऋषिकेश की जो दूरी है वो 240 किलोमीटर है। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी 30 किलोमीटर है। अगर बात की जाए आप ऋषिकेश कैसे पहुँचे, तो ऋषिकेश आपके लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है। आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, आप बाय बस भी आ सकते हैं। सबसे पहले हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार से आपको बाय बस ऋषिकेश जाना होगा, क्योंकि ऋषिकेश जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ज़्यादा ट्रेनें नहीं रुकती है। हरिद्वार के लिए आपको सभी छोटे बड़े शहरों से ट्रेनें मिल जाती है। तो आइए हम आपको ऋषिकेश पहुंचकर ज्वाइन करते हैं। हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। ऋषिकेश पहुंचते ही आपको सबसे पहले हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा दिखेगा। हम गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे और गुरुद्वारा विजिट करेंगे। तो आइए आपको भी हम गुरुद्वारा विजिट कराते हैं। जो यात्री हेमकुंड साहिब की यात्रा कर रहे हैं उनको लिए यहाँ पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन होता है। यहीं से रजिस्ट्रेशन करने के बाद हेमकुंड साहिब की यात्रा करते हैं। हम गुरुद्वारा विजिट कर रहे हैं। गुरुद्वारा अंदर से काफ़ी सुंदर है और यहाँ पर काफ़ी भवन भी बनाए गए हैं। जो यात्री हेमकुंड साहिब की यात्रा करते हैं उनके रुकने के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। हमने गुरुद्वारे में मत्था टेका और मत्था टेकने के बाद में हमने यहीं पर ही गुरुद्वारा का जो लंगर प्रसाद चलता है हमने वह ग्रहण किया और यहाँ से हम अपनी आगे की यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। अब अगर आपने अभी तक हमारी हरिद्वार एवं नीलकंठ यात्रा वाली वीडियो नहीं देखी है तो वह भी हमारे चैनल पर जाकर देख रहे, या मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहे और आपको देश विदेश के दर्शन कराते रहे। हेमकुंड से थोड़ा आगे चलते ही आपको मिलेगा त्रिवेणी घाट। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ का कितना खूबसूरत नज़ारा है ये देखें। यहाँ पर कितनी शांतिपूर्ण तरीके से लोग घाट को इंजॉय कर रहे हैं। वोटिंग करने की भी सुविधा है। अगर आप वोटिंग करना चाहते हैं तो आप पीछे देख सकते हैं, मेरी काफ़ी टूरिस्ट वोटिंग भी कर रहे हैं। अभी हम आपको वोटिंग के पास ही लेकर चलेंगे और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं और वोटिंग भी इंजॉय कर रहे हैं। हमने फाइंड आउट किया है लोकल से यहाँ पर जो वोटिंग का चार्ज है, अगर एक साइड से आप गंगा क्रॉस करते हैं तो 10 रुपये चार्ज होता है, अगर आप आना जाना करते हैं तो आपसे 18 रुपये चार्ज लेते हैं। जो सामने देख रहे यह है टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट निकलवा कर वोटिंग इंजॉय कर सकते हैं। हम भी वोटिंग एंजॉय करेंगे। इसके बाद में हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाकर आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर लेकर चलेंगे। आप देखते हैं यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट भी आते रहते हैं। कोविड के बाद आपको ऋषिकेश में ना के बराबर ही फॉरेन टूरिस्ट देखने को मिलेंगे। कोविड से पहले यहाँ पर आपको काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट देखने को मिलते रहते हैं। लोग इनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। देखिए वोट चल दी है और वोटिंग के लिए लाइन लगी हुई है। कितना सुंदर नज़ारा है। त्रिवेणी घाट पर अर्ली मॉर्निंग लोग योग करने भी आते हैं। आप देख सकते हैं फिलहाल जो पानी का फ्लो है वो काफ़ी तेज है और पानी थोड़ा साफ है।
हम फिलहाल राम झूले पर पहुंच चुके हैं और हम आपको जल्द ही राम झूले पर भी लेकर चलेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आए हैं और गंगा जी को ऊपर से निहार रहे हैं। आप देख सकते हैं पानी काफ़ी तेज बह रहा है और काफ़ी टूरिस्ट बहुत इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर राम झूले की एंट्री है। इससे थोड़ा आगे चले गए तो वहाँ पर लक्ष्मण झूला है, लेकिन हमने फाइंड आउट किया है वहाँ पर अभी लक्ष्मण झूला पिछले एक साल से बंद है क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। इसलिए हम वहाँ का नज़ारा हम आपको थोड़ा सा बाहर से ही दिखाएंगे, देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। आइए हम झूले पर एंट्री करते हैं और आपको नज़ारा दिखाते हैं। आज काफ़ी संख्या में भीड़ है। अपने मोबाइल फ़ोन को और कैमरे को आप सावधानी से रखिए क्योंकि अगर जरा सी भी चूक हुई तो सीधे गंगा मैया में आपका मोबाइल भी और कैमरा भी जा सकता है। यहाँ पर मंकी भी आपको काफ़ी देखने को मिलेगी और मंकी भी आपका फ़ोन वगैरह छीन सकते हैं, तो काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि भीड़ भी काफ़ी है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे टूरिस्ट लक्ष्मण झूले पर चलते हैं तो यह झूलता है और हिलता है, इसलिए इसको लक्ष्मण झूला कहते हैं। हवा काफ़ी तेज है, आप देख सकते हैं एक्टिवा भी मेरे पीछे से जा रही है। इसी केस में जो खाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है राम झूले के, जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो आपको चोटी वाला रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों कर सकते हैं। जिस भी टाइम आप आते हैं तो आप यहाँ लंच एवं डिनर एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी संख्या में टूरिस्ट बैठे हुए हैं और अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का खाना काफ़ी स्वादिष्ट एवं हेल्थफुल बताया जाता है। यहाँ पर आपको जो थाली की कॉस्ट है वो लगभग 150 से 200 रुपये पर हेड पड़ती है। आप भी यहाँ लंच एंजॉय करने के बाद में हम आपको लेकर चलेंगे स्वर्ग आश्रम। आइए चलते हैं स्वर्ग आश्रम। चोटी वाले रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही आपको स्वर्ग आश्रम दिखाई देगा, आप यहाँ पर भी विजिट करिएगा। हम पहुंच चुके हैं स्वर्ग आश्रम, आप देखिए स्वर्ग आश्रम। अभी हम आपको स्वर्ग आश्रम घाट पर भी लेकर चलेंगे। यहाँ पर भी टूरिस्ट आते हैं और कुछ टाइम अपना व्यतीत करते हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके मन को शांति महसूस होएगी। ऋषिकेश में घूमना आपकी लाइफ में लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएगी क्योंकि यहाँ का नज़ारा खूबसूरत है। यहाँ से लोग पैदल वॉक करते हुए राम झूले पर जा रहे हैं। ये बाबा काली कमली वाले का आश्रम है, स्वर्ग आश्रम। आइए हम आपको अंदर से भी दिखाते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहे और दुनिया के दर्शन आपको कराते रहे। आप देख सकते हैं हम लक्ष्मण झूले पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। अभी मैं आपको गेट दिखाता हूँ, यहाँ पर गेट क्लोज है, आप लक्ष्मण झूले पर नहीं जा सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पर गेट क्लोज है। हम आपको अब यहाँ से लेकर चलेंगे राफ्टिंग पॉइंट। अगर आप ऋषिकेश आए हैं और आपने ऋषिकेश में आकर राफ्टिंग एवं कैंपिंग नहीं की है तो आपकी ट्रिप ऋषिकेश की एवं आपका जो ऋषिकेश घूमने का एक्सपीरियंस है वो अधूरा रह जाता है। ऋषिकेश में राफ्टिंग करना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है।
गाइस जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर राफ्टिंग हो रही है। हमने पता किया है ये है 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की राफ्टिंग कराते हैं और 12 किलोमीटर के ये आपसे 650 रुपये चार्ज करते हैं पर पर्सन के हिसाब से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आए हैं और राफ्टिंग कर रहे हैं। अभी मौसम थोड़ा ख़राब होने वाला है तो इस करके हम राफ्टिंग नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ पर राफ्टिंग मैनेजर से पता किया है जो राफ्टिंग के चार्ज है वो 300 रुपये से शुरू होकर 650 रुपये तक होते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है आप राफ्टिंग कितने किलोमीटर की करते हैं। अगर 9 किलोमीटर की राफ्टिंग करते हैं तो कम चार्ज लगेगा। यहाँ पर जो राफ्टिंग है वो 9 किलोमीटर से शुरू होकर 26 किलोमीटर तक की होती है। राफ्टिंग करने से पहले आपकी कुछ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप राफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट पर पहुँचने के लिए भी इन्हीं की गाड़ी आपको राफ्टिंग पॉइंट पर ड्रॉप करती है और फिर आप ऋषिकेश राफ्टिंग करते हुए पहुँच जाते हैं। राफ्टिंग आप मॉर्निंग में जल्दी ही शुरू कर दीजिए ताकि आप शाम को कैंपिंग भी कर सके। अगर आप कैंपिंग में टेंट लेते हैं तो आपसे 1500 रुपये चार्ज किए जाते हैं विथ राफ्टिंग। अगर आप लग्जरी रूम लेते हैं तो आपसे 2000 रुपये चार्ज किए जाते हैं विथ राफ्टिंग। इस पैकेज में आपका ब्रेकफास्ट और लंच भी इंक्लूड होता है। आप जो सामने देख रहे हैं वहीं पर ही कैंपिंग करने के लिए टेंट एवं रूम अवेलेबल है। आप वहां जाकर रूम एवं टेंट ले सकते हैं। ऋषिकेश से 10 किलोमीटर ऊपर नीलकंठ जाते हुए रास्ते में आपको सभी राफ्टिंग पॉइंट एवं कैंपिंग टेंट एवं रिसोर्ट देखने को मिलेंगे। कैंपिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए कैंपिंग की ही गाड़ी आपको कैंपिंग पॉइंट तक लेकर जाती है और वापस में ऋषिकेश छोड़ देती है, जिसका चार्ज उसमें इंक्लूड होता है। आपका ऋषिकेश घूमने का पर डे का पर पर्सन का जो कॉस्ट है वो 2000 से 2500 तक आती है। इस पैकेज में आपका वन डे का फूड और राफ्टिंग भी इंक्लूड है। आपको बता दें ऋषिकेश में जो होटल की फैसिलिटी है वो 600 रुपये से शुरू होकर 2000 से 3000 रुपये तक होती है। आपको 600 या 700 रुपये में एक अच्छा नीट एंड क्लीन होटल आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी होटल अवेलेबल है। यहाँ पर ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों तरीके से आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहे और आपको देश दुनिया के दर्शन कराते रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो। हर हर महादेव।